दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर पर आज खुशियों ने दस्तक दी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गए 2 साल बीत चुके हैं और अब एक बार फिर 2 साल बाद उनका घर खुशियों से खिल उठा है। बता दें, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में बेटे को जन्म दिया है। वहीं इस खबर को सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर न्यू बॉर्न बेबी के साथ एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में वो अपने बेटे को गोद में लिए बैठे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उनके साइड में दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर रखी हुई है, जिस पर लिखा है लेजेंड्स नेवर डाई, यानी लेजेंड्स कभी नहीं मरते। वहीं इस तस्वीर के साथ पंजाबी में कैप्शन लिखा है, शुभदीप के लाखों चाहने वालों की दुआ से ऊपर वाले ने हमें शुभ का छोटा भाई दिया है। वाहे गुरु की कृपा से हमारा परिवार स्वस्थ और शुक्रगुजार है उन सभी लोगों का जो हमें इतना प्यार करते हैं। बता दें, बेटे के जन्म से पहले ही सिद्धू मूसेवाला की मां को लेकर कई तरह की खबरें चल रही थी कि उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन वहीं ऐसे में उनके पिता बलकौर सिंह ने एक पोस्ट शेयर कर अपनी बात रखी है। बलकौर सिंह ने फेसबुक पर लिखा था कि हम सिद्धू के फैंस के आभारी हैं जो हमारे परिवार को लेकर इतना चिंतित हैं। मेरी फैमिली को लेकर कई सारी अटकलें चल रही हैं। मेरी विनती है कि इन सभी रूमर्स पर यकीन ना करें। जो भी खबर होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का 29 मई 2022 को बेरहमी से मर्डर हुआ था। सिंगर को दिन दहाड़े गोली से भूनकर 29 मई 2022 को हमेशा की नींद सुला दिया गया। बता दें, पोस्टमार्टम में सिद्धू मूसेवाला की बॉडी पर गोलियों के 24 निशान मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर की मौत के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग का हाथ था। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा चाहने वाले आर्टिस्ट थे। उनके फैंस उनके लिए दीवाने थे। 29 मई 2022 को सिंगर के साथ जो घटना हुई उससे उनके परिवार वालों के साथ ही फैंस को भी गहरा सदमा लगा था। सिद्धू मूसेवाला के निधन को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी उन्हें कोई भूल नहीं पाया है। अपने इकलौते बेटे के जाने का गम आज भी सिंगर के माता पिता के दिल में जिंदा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय UP उत्तराखंड।